पठानी। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सीधा जयपुर से। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है, जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें SMS मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में 34 घंटे बाद यहां पर बिजली आई। पानी की समस्या से लगातार यहां पर रेजिडेंट डॉक्टर जूझ रहे थे, खाने पीने तक के लिए यहां पर पानी ना होने की वजह से परेशान डॉक्टर नजर आ रहे थे। तो हाथों में पानी का बर्तन लेकर हॉस्टल के बाहर यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर नजर आए हैं। बता दें कि पानी का बर्तन बजाते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में रेजिडेंट पानी लेने पहुंचे हैं, तो 34 घंटे बाद यहाँ पर SMS मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के अंदर बिजली आई है और इसी वजह से पानी की समस्या से रेजिडेंट डॉक्टर्स को जूझना पड़ा है लगभग 34 घंटे तक। तो वहीं इतने लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद मेडिकल रेजिडेंट स्टूडेंट्स का यहाँ पर डॉक्टर्स का सब्र का बांध टूटा। हाथ में पानी का बर्तन लेकर बाल्टियाँ लेकर बजाते हुए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंचते हुए नजर आए। तो हॉस्टल के बाहर यहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स आपको तस्वीरों में बाहर जाते हुए नजर आ रहे होंगे, जिसके बाद यहां पर प्रिंसिपल ऑफिस का रुख किया गया है। बता दें कि 34 घंटे तक यहां पर बिजली नहीं आई जयपुर मेडिकल SMS कॉलेज के अंदर, और इसी से गुस्साए बच्चे डॉक्टर्स यहां पर प्रिंसिपल ऑफिस पानी की बाल्टी पानी का बर्तन लेते हुए पहुंचे। बता दें खाने पानी की कोई सुविधा यहां पर नहीं मिली बिजली आने की वजह से, ना आने की वजह से। इसके अलावा आपको बता दें कि पानी लगातार 34 घंटे तक नहीं आया है, बिजली जाने की वजह से यहां पर पानी ना होने से रेजिडेंट डॉक्टर परेशान नजर आए। SMS मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर 34 घंटे तक बिजली नहीं आई और इतने लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी सब्र का बांध टूटता हुआ दिखा। यहाँ पर पानी के बर्तन को बजाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर अपने हॉस्टल से बाहर आए, जिसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस तक ये पूरा जमावड़ा सामने आया। पानी के बर्तन का उद्घोष आप सुन पा रहे हैं। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी भी जानी है, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसाद जुड़ चुके हैं। प्रसाद, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर नज़र आ रही है? इतना गुस्सा यहाँ पर बतौर बाल्टी बजाकर पानी का बर्तन बजाकर यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल शाम से जो डॉक्टर्स है वो पहले बिजली की परेशानी को लेकर जो कहीं ना कहीं कहे कि रोज व्यक्त कर रहे थे, कल कोई टेक्निकल इशू लाइन में फॉल्ट होने के कारण करीबन 34 घंटे बाद जो है अब जो प्रदेश के सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है उसके हॉस्टल में बिजली लौटी है, और बिजली के बाद अब जो हॉस्टल है उनमें पानी की कमी के कारण जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि पानी जो है किचन में खाना बनाने तक के लिए नहीं है, जिसके चलते अब रेजिडेंट डॉक्टर पूरी तरीके से परेशान हैं। लगातार जो है शिकायतें की गई, शिकायतें करने के बाद इंतजार किया गया, इंतजार के बाद भी जब उस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हाथ में पानी का बर्तन और बाल्टियां लेकर जो प्राचार्य ऑफिस है यानी प्रिंसिपल ऑफिस है वहां पर पहुंचे और वहां पर जाकर एक पानी की बाल्टी मांगने लगे कि पानी की बाल्टी अगर उन्हें दे दी जाए तो वो खाना बनाकर खा सके। अब जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं कहे कि बार बार शिकायत की जा रही है, पानी की कमी की जो है शिकायत की जा रही है कि जो रेजिडेंट हॉस्टल्स है कई हॉस्टल जिसमें से जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के हॉस्टल सहित कई अन्य हॉस्टल्स है उसमें पानी नहीं आ रहा है, देर रात से बिजली नहीं आ रही थी, करीबन 34 घंटे बाद बिजली वापस आई है, तो अब जो है पानी की समस्या से रेजिडेंट डॉक्टर्स परेशान है। बिल्कुल, तस्वीरों में साफ जाहिर भी हो रहा है। हालांकि यहाँ पर क्या कार्रवाई इसके बाद आसीन प्रशासन ने यहाँ पर की है, इससे जुड़े यहाँ पर ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से हुई? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन ने जो है अवगत करा दिया है, आज ये शिकायत कर दी है और जल्द से जल्द इस चीज का समाधान करने की जो है आश्वासन उन्हें दिया गया है। बिल्कुल प्रशांत, इसके अलावा क्या वजह यहाँ पर रही कि 34 घंटे तक यहाँ पर बिजली नहीं आई है,
पानी की समस्या यहाँ पर पैदा हो गई, क्या वजह यहाँ पर पता चल पाई है, क्योंकि शिकायतों का दौर तो देखने को मिला रेजिडेंट्स की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि जो है बिजली की जो समस्या है वो किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण यहाँ पे हुई थी। जो आरडी हॉस्टल और सीनियर जो बॉयज हॉस्टल है, एसके मेन हॉस्टल है, उनमें जो है बिजली की जो समस्या है वो उसमें किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण बिजली गई थी, जिसके चलते अब जो है वापस, हालांकि बिजली तो लौट चुकी है मगर पानी की समस्या से लोग परेशान है। जो मेडिकल कॉलेज के जो कुछ इलाके थे रात में, उनमें हालांकि जनरेटर के जो है उपयोग से सप्लाई की गई, वहां पर बिजली आ रही थी, मगर जो कहे कि जो जवाहर नगर से जो लाइन है जीएसएस पर, जो जवाहर नगर से जो लाइन आ रही थी उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट बताया गया था, जिसके चलते आज उस समस्या का समाधान किया गया और अब 34 घंटे बाद बिजली लौट आई है। उसी के चलते कहे कि बिजली के कारण जो ऊपर हॉस्टल्स में टंकियां हैं उनमें पानी समय पर नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते अब पानी की परेशानी से जूझ रहे रेजिडेंट डॉक्टर। बिल्कुल, वजह यहाँ पर टेक्निकल हो या फिर कोई और, यहाँ पर वक्त पर कार्रवाई नहीं की गई और इसी से गुस्सा है, लोग यहाँ पर तस्वीरों में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा अपडेट इस पूरी खबर पर पेश करने के लिए प्रशांत। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करें।